अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को सांभर बनाना। सांभर बनाने से पहले फ्यू वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करते हैं अपने गार्डन से और आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी। अब इसे काटते हैं। अच्छी तरह से सब्जियों को धो लें। देखें, यहाँ हमारे पास बैंगन है, शलजम एक अदद, वन जुकीनी, 8 से 10 आप ले लें फलियां या बीन्स, एक कैरेट, 2 ड्रमस्टिक, जो भी आपको वेजेस पसंद है आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आए बनाते हैं, दिखाते हैं। पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल दें, साथ ही इसके अंदर हींग शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। रायदाना शामिल करेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून। मेथी दाना शामिल करेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून। रेड चिली 4 से 5 अदर शामिल कर दें। 1 कप दाल ले रहे हैं, उसके अंदर हल्दी 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक डालकर उसको अच्छी तरह से बॉईल कर ले। दाल आप लेंगे उड़द दाल। अब इसके अंदर ये तमाम कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली शामिल कर दें, अनियन शामिल करेंगे 1/2। देखिए यहाँ हमारे पास है सांभर मसाला। सांभर मसाला हम यूज़ करेंगे, मैंने इस्तेमाल किया है कैन टोमेटोज, ये देखें। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश शामिल कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भी मेरे जैसा कैन इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून सांभर मसाला शामिल कर दें, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर वेजेस शामिल कर दें, काफी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर दाल शामिल कर दें, अब इसके अंदर पानी डालेंगे। चलिए अब इसको लिड लगाएंगे और 1/2 घंटे से कुक करेंगे। शुगर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, साथ ही इसके अंदर इमली का पल्प शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और 20 मिनट कुक करेंगे। ये देखें, नमक आप चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाती हूँ, देखें आप, ये देखें, मुझे बहुत ज़्यादा रनी पसंद नहीं है, मैं थोड़े ठीक बनाती हूँ इसे। साथ ही इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया डाल दें, कोरिएंडर लीव्स। 15 से 20 मिनट और कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए, मैं आप फ्लेम को ऑफ करूँगी, ऐसे डिश आउट करूँगी। सांभर को आप इडली, डोसा या चपाती के साथ बॉयल राइस के साथ सर्व करें। तो चलिए इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। सांभर तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको भी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।